तो फंडामेंटल्स ऑफ फील्ड लेवल एंड लेबोरेटरी सैम्पलिंग। तो आजकल आपको पता होगा कि जो फूड इश्यूज हैं वो कंज्यूमर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं, कि हर बंदा, हर जो पर्सन है, हर जो कंज्यूमर है, वो क्या चाहता है कि उसे सेफ, न्यूट्रिशियस और एक हाइजीनिक फूड मिले। ठीक है, वो चाहता है कि उसकी, मतलब उसके फूड के साथ कोई भी ऐसे कैजुअलिटी ना हो। तो इसीलिए ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, इंडस्ट्रीज या फूड वर्कर्स के ऊपर, कि वो सेफ, न्यूट्रिशियस और पैलेटेबल प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड करें अपने कंज्यूमर को। ठीक है, अब इसके लिए क्या ज़रूरी है कि इसके लिए हमें एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे, अपनी जो सैम्पलिंग है उसकी टेस्टिंग करनी पड़ेगी, उसकी एनालिसिस करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम सिर्फ लेबोरेटरीज पे ही डिपेंड नहीं है कि हम क्या करते हैं, हम सर्वेज कैसे करते हैं, हम जनरली लेबोरेटरीज में एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन हम उसके अलावा भी क्या करते हैं कि हम कंज्यूमर सर्वेज करते हैं। आपने देखा होगा कि ना लोग मतलब जो फूड के लिए रेटिंग कराते हैं कि कैसा खाना था, क्या था, तो उसके लिए कंज्यूमर्स का जो सर्वे होता है वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। वही आता है हमारा फील्ड लेवल, कि फील्ड लेवल पे हम किस तरीके से जो हमारा डेटा कलेक्शन कर रहे हैं, किस तरीके से रिव्यूज ले रहे हैं, और क्योंकि एट द एंड वही लोग हमें जज करेंगे या जस्टिफाई करेंगे कि हमारा जो फूड है वो कैसा है। तो हर कोई FBO होगा या फिर कोई भी जो फूड प्रोवाइड कर रहा है, वो पर्सन क्या सोचेगा कि मुझे अपने कंज्यूमर को जो सेटिस्फाई करना है, तो उसके लिए मुझे उसके रिव्यूज का जानना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हमारे क्या है, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जनरली कि हमारा फूड जो है उसकी सेफ्टी या उसके न्यूट्रिशन को चेक करने के लिए। उसके अलावा हमारे सर्वेज होते हैं कंज्यूमर के, जिससे कि हमें ये पता चल सके कि उनका, मतलब उनका उस फूड को लेके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, तो उस चीज़ को जानने के लिए अब आप लगा लीजिए कि हर, मतलब ऑल ओवर द कंट्री ही आप लगा लें, कि अगर किसी के बहुत सारे आउटलेट्स खुले हुए हैं, किसी भी FBO के या किसी भी फूड जो बिजनेस ऑपरेटर है उसके बहुत सारे आउटलेट्स हैं, तो जनरली उसको नहीं समझ में आएगा ना, कि क्योंकि बहुत सारा डेटा हो जाएगा, बहुत सारे, अगर वो कंज्यूमर्स के रिव्यू लेता रहेगा तो बहुत सारा डेटा हो जाएगा। तो उसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हमें ये पता हो कि हम किस तरीके से डेटा को एनालाइज करते हैं और रिजल्ट को इंटरप्रेट करते हैं। तो उसी के लिए हमारा जो है कि हम स्टेटिस्टिकल टूल्स को यूज़ करने वाले हैं आगे, क्योंकि हमें अब इतना डाइवर्स इंफॉर्मेशन को, उसको कॉम्पैक्ट करके और उस डेटा को एनालाइज करके और रिजल्ट निकालना, दैट इज डिफिकल्ट थिंग। तो इसके लिए हमें स्टेटिस्टिकल टूल की ज़रूरत होती है। क्लियर। अब सैम्पलिंग फॉर टेस्टिंग और एनालिसिस क्या है, एक प्रोसेस है जो कि एक, मतलब जो मटेरियल है या प्रोडक्ट है उसको टेस्ट करने के लिए, चाहे वो फिजिकल मेजरमेंट है, चाहे केमिकल एनालिसिस हो रही है, चाहे माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन हो रहा है, जो हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, तो उसके लिए जो हम एनालिसिस या फिर टेस्टिंग कर रहे हैं उसी को ही हम क्या कहते हैं, सैम्पलिंग कहते हैं। ठीक है, सैम्पलिंग फॉर टेस्टिंग और एनालिसिस कहते हैं। और ये क्यों की जाती है, फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्वालिटी कंट्रोल और रेगुलेटरी असेसमेंट, कि हम ये आइडेंटिफाई कर पाए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे कोई फिजिकल वो कोई भी प्रोडक्ट आ गया, केमिकल कोई भी चीज़ हो गई है, माइक्रोबायोलॉजिकल एक तरह से कॉन्टेमिनेशन हो गया, तो उसके लिए हम ये चेक करते हैं कि इसके लिए हम एनालिसिस और टेस्टिंग करते हैं सैंपल की। क्लियर। अब आता है हमारा कि हर जो लेबोरेटरी होती है उसका, मतलब मैंडेटरी नहीं है कि वो सैम्पलिंग एक्टिविटीज़ करे ही, ठीक है, लेकिन जो भी सैम्पलिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती है उसको, इन नॉर्म्स को या इन प्रोसीजर्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। ये जो लेबोरेटरी की पॉलिसीज़ या डिक्लेरेशंस होती हैं जो कि सैम्पलिंग के लिए बहुत ज़रूरी होती है, तो उसको, जो भी लेबोरेटरी सैम्पलिंग में इन्वॉल्व है उसको इन सब चीज़ों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहला क्या आता है हमारा, जो भी लेबोरेटरी है, जो भी सैम्पलिंग कर रही है, उसके पास ऑथराइज पर्सनल्स और सैम्पलर्स होने चाहिए जो कि एक एडिक्वेट नॉलेज हो, जिनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग हो, जो सैम्पलिंग में एक तरह से प्रो हो। ठीक है, तो उसके लिए हमारा क्या है कि लेबोरेटरी के पास ऐसे ट्रेनर्स या फिर ऐसे सैम्पलर्स होने चाहिए, ऐसे पर्सनल्स होने चाहिए जो कि एडिक्वेट नॉलेज रखते हो रिगार्डिंग सैम्पलिंग। क्लियर। दूसरा क्या आता है कि लेबोरेटरी को वो जो भी प्लान है, जिसके लिए भी वो सैम्पलिंग कर रही है, उसके लिए प्रॉपर प्लान और प्रोसीजर होना चाहिए कि वो किस प्रोडक्ट पे या किस मटेरियल पे कर रही है, उसमें वो किस तरीके का सिलेक्शन कर रही है, फिर कैसे विड्रॉ कर रही है, मतलब हर चीज़, मतलब इनिशियल स्टेज से लेकर रिजल्ट आने तक प्रॉपर एक प्रोसीजर फॉलोअप करना चाहिए उस लेबोरेटरी को जो भी सैम्पलिंग प्लान में इन्वॉल्व है। और इसके लिए हम क्या करते हैं, स्टेटिस्टिकल मेथड या रेगुलेटरी गाइडलाइंस या कोई रेफरेंसेस यूज़ करते हैं, जिससे कि हमें पता चल सके कि हम जो भी प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं वो एकदम एडुकेट है। उसके बाद जो भी पर्सनल्स इन्वॉल्व होते हैं सैम्पलिंग एक्टिविटीज़ में, उनको वर्क इंस्ट्रक्शन देना कि किस तरीके से उनको काम करना है, उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है लेबोरेटरी। ठीक है, लेबोरेटरी के पास प्रॉपर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, जैसे कि टूल्स, इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स, सारी चीज़ें जो भी सैम्पलिंग के लिए ज़रूरत होगी वो सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए इन द लेबोरेटरी। लेबोरेटरी के पास प्रॉपर एक जो जो भी एक प्रोसीजर चल रहा है सैम्पलिंग के लिए उसका डेटा होना चाहिए, उसकी चाहे वो उसका डेट है, टाइम है सैम्पलिंग का, किस तरीके से आइडेंटिफाई हुआ है,
ठीक है, सैंपल जो हमारे सैंपल जो है, उसके बाद जो सैंपलर जो भी इन्वॉल्व है उसके अंदर, उसकी आइडेंटिटी कि भाई वो एकदम ट्रेंड होना चाहिए, उसके बाद हमारे जो भी एनवायरमेंटल कंडीशंस है, ट्रांसपोर्टेशन कैसा यूज़ हो रहा है, स्टेटिस्टिकल टूल क्या यूज़ कर रहे हैं हम सैम्पलिंग प्रोसीजर में, तो ये सारी चीज़ें अच्छे से एक तरह से मेंटेन होनी चाहिए। एंड डॉक्यूमेंट शैल बी मेंटेन, जो भी प्रोसीजर हो रहा है उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए कि किस टाइम पर सैंपल दिया गया, उसका डॉक्यूमेंट, जो हमारा सैम्पलर है, जो भी पर्सनल यूज़ हो रहा है, जो भी पर्सनल मतलब सैंपल को चेक कर रहा है उसकी आइडेंटिटी, वो प्रॉपर सारी चीज़ों को एक प्रॉपर रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी होता है लेबोरेटरी के लिए। तो लेबोरेटरी जो है वो एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम जो है वो मेंटेन करके रखती है, जिसमें कि वो कब उसने आइटम को हैंडल किया, कब उसके पास वो रिसीव हुआ, कब उसने स्टोर किया, कब ट्रांसपोर्टेशन हुआ, ठीक है, उसकी मतलब प्रॉपर उसका जो भी है टेस्ट सैंपल्स का लॉस और डैमेज को प्रिवेंट करना, ये सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेबोरेटरी की ही होती है जो भी सैम्पलिंग में इन्वॉल्व होते हैं। अब आता है कि स्टेटिस्टिक्स जो अप्लाई होती है फूड साइंस के ऊपर, उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो जो स्टेटिस्टिक्स की जो एप्लीकेशंस हैं वो फूड टेक्नोलॉजी की फील्ड में बहुत टाइम से यूज़ होते आ रहे हैं, और उसका एक एग्जांपल है हमारे पास कि बहुत पहले ही एग्रीकल्चर में भी यूज़ हुआ था। फिशर 1966 में हुए थे, जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था ऑन द क्रॉप प्लॉट, और उसके बिहाफ पे हमने एग्रीकल्चर के ऊपर स्टेटिस्टिकल जो एप्लीकेशन है वो यूज़ किया था। उससे भी पहले हमने देखा था कि एक टी टेस्टिंग के ऊपर, मतलब टी को टेस्ट करने के ऊपर, टी टेस्टिंग के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, सेंसरी एक्सपेरिमेंट, जिसमें कि हमारे स्टेटिस्टिकल एप्लीकेशन जो थी वो यूज़ हुई थी। तो तब से ही हमारा स्टेटिस्टिकल एप्लीकेशन जो है वो फूड टेक्नोलॉजी में निकल के आता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है डे बाई डे। ठीक है, जो स्टेटिस्टिकल टूल हैं जो कि फूड रिसर्च या डेवलपमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं, ये जनरली ऐसा नहीं है कि बस हमारा इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रहा है या फिर फील्ड लेवल पे यूज़ हो रहा है, लेबोरेटरीज में यूज़ हो रहा है, ये एकेडमिक सेक्शन से शुरू होके इंडस्ट्रियल रिसर्च तक सब जगह हमारे स्टेटिस्टिकल टूल जो है वो यूज़ होते हैं, चाहे वो फूड में, केमिकल, बायोटेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल जो इंडस्ट्रीज है, सब में हमारा क्या है, स्टेटिस्टिकल टूल्स यूज़ होते हैं। और ये एक बहुत ही इमर्जिंग एक तरह से जॉब प्रोफाइल भी निकल के आई है। आजकल आपने देखा होगा डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, जो कि डेटा पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वही उसी के लिए वो सबसे ज़्यादा क्या है, स्टेटिस्टिकल टूल्स यूज़ करते हैं, और ये हर इंडस्ट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। फूड जो है हमारी, फूड साइंस से लेके या फूड टेक्नोलॉजी से लेके, फूड इंडस्ट्री से लेके, आप किसी भी इंडस्ट्री में चली जाइए, सबसे पहले डेटा कलेक्शन होता है, उसके ऊपर वर्क किया जाता है, और फिर उससे जो रिजल्ट आता है उसके बेसिस पे हमारे क्या है, डिसीजन मेकिंग की जाती है हर फर्म के अंदर। तो सेम इज़ फूड, तो फूड टेक्नोलॉजी या फूड रिसर्च जो है हमारा, फूड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसके अंदर भी स्टेटिस्टिकल टूल्स को क्यों यूज किया जा रहा है, क्योंकि डेटा जो होता है वो बहुत ही ज्यादा लार्ज नंबर में होता है, और उसकी वजह से क्या है हमारा कि हम उस पर वर्क नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें स्टेटिस्टिकल टूल्स को लगाने की बहुत जरूरत होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर एप्लीकेशन स्टेटिस्टिक्स इन फूड रिसर्च कैन नॉट बी इग्नोर, मतलब उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। मैंने अभी आपको इसका एग्जाम्पल भी दिया, इट इज़ एसेंशियल इफ वन इज़ टू अंडरस्टैंड डेटा एंड मेक डिसीजंस दैट अकाउंट ऑफ द स्टेटिस्टिकल वेरिएबिलिटी ऑफ मेजरमेंट एंड प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम समराइजिंग एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। मैंने जो अभी आपको समझाया वही इसमें मेंशन है कि हमारे डिसीजन मेकिंग के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले हम अपना जो भी डेटा कलेक्शन कर रहे हैं उसको समझें, और उसको समझने के लिए, उस पर काम करने के लिए वी नीड द स्टेटिस्टिकल टूल्स। अब हम स्टेटिस्टिकल टूल्स को भी देख लेंगे। बेसिक जो स्टेटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स हैं वो आते हैं जनरली पॉपुलेशन साइज, सैंपल स्पेस, वेरिएंस, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, टी टेस्ट, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, और बहुत सारे ऐसे मतलब हमारे स्टेटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमारे यूज़ किए जाते हैं इन द फूड टेक्नोलॉजी, जिससे कि हम सेफ और क्वालिटी फूड जो है वो कंज्यूमर को प्रोवाइड कर सकें। एप्लीकेशन ऑफ स्टेटिस्टिकल मेथड्स इन फूड टेक्नोलॉजी इज कंटिन्यूअली प्रोग्रेसिंग एंड डेवलपिंग, मतलब वो डे बाई डे बढ़ ही रहा है। ठीक है, तो जो इसमें टर्म्स यूज़ की गई है ना, पॉपुलेशन साइज, सैंपल स्पेस, एक नॉन स्टेटिस्टिकल बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट के लिए समझना बहुत टफ होता है, लेकिन आपको एक जनरल अवेयरनेस तो होनी चाहिए, एक जनरल मतलब एक नोटिस में रहना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। तो आपको थोड़ा थोड़ा मैं बता देती हूँ। पॉपुलेशन साइज़ क्या होता है कि जो भी हमने डेटा लिया है वो एक पॉपुलेशन साइज़ होता है, जो भी हमें मतलब बाय सर्वेज या जैसे भी मिला है वो हमारा पॉपुलेशन साइज़ होता है। उसके बाद सैंपल साइज़ क्या होता है कि जब हम प्रॉपर मतलब जो पॉपुलेशन साइज है उसमें से अपना एक प्रॉपर सैंपल निकालते हैं, है ना, कि पूरा के पूरा डेटा पे तो हम काम नहीं कर सकते, तो हम उस डेटा के वेरिएशन को चेक करके कि भाई यहाँ किस तरीके का ये डेटा है, उसके उसमें से एक सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं और उस सैंपल पे वर्क करते हैं, क्योंकि इतने बड़े पॉपुलेशन साइज पे हम वर्क नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम सैंपल साइज पे वर्क करते हैं, उसी का फिर वो सैंपल स्पेस होता है। ठीक है, पूरा का पूरा।
उसके बाद ये वेरिएंस डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड डेविएशन, ये उसके बाद जो भी हमें सैंपल मिला है उसके ऊपर यूज़ किए जाते हैं, और जिस भी तरीके का हमें डेटा कलेक्ट करना होता है, जिस भी तरीके का हमें उसका नेचर चेक करना होता है, उसके लिए हम ये सब टेस्टिंग करते हैं जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं अकॉर्डिंगली कि हमें किस तरीके का डेटा के ऊपर काम करना है। ठीक है, तो ये वेरियंस डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड डेविएशन, टी टेस्टिंग, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये उस सैंपल के ऊपर फिर काम करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। क्लियर। अब इसमें ये मेंशन किया गया कि डिसीजन मेकिंग के लिए हमारा जो रिजल्ट है वो स्टेटिस्टिकल एनालिसिस पे मतलब डिपेंड करता है, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं उसी के बेसिस पे डिसीजन मेकिंग की जाती है, तो इसलिए स्टेटिस्टिकल टेक्निक जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है, किसमें उस जो भी रिजल्ट है उसको मॉनिटर या रिपोर्ट करने के लिए। ये रिजल्ट जो होता है ये कॉन्फिडेंस देता है एक कंज्यूमर को भी, और एक जो प्रोड्यूसर है या जो सैम्पलर है, जो भी पर्सन जो इस पर काम कर रहा है, जो भी फूड जो प्रोवाइड कर रहा है उसके लिए भी, तो ये कॉन्फिडेंस देता है कि हमारा जो फूड है वो सेफ है, और मतलब वो श्योरिटी देता है कि वो जैसा भी डाइट कंज्यूम कर रहे हैं वो उनके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो जो डिसीजन मेकिंग के लिए स्टेटिस्टिकल एनालिसिस इज द मेजर थिंग, मतलब वो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब जब कभी भी किसी भी फील्ड में हम क्या करते हैं कि कोई भी आप लगा लीजिए फूड के ऊपर ही हम कोई स्टेटिस्टिकल टूल या एप्लीकेशन यूज़ करने वाले हैं, तो उसके लिए हमें क्या ज़रूरत होती है, सबसे पहले हम शुरू करते हैं रिसर्च प्रॉब्लम जो है उसको फॉर्मुलेट करते हैं कि किस तरीके की हमारी प्रॉब्लम है वो। ठीक है, उसके बाद हम डेटा कलेक्शन करते हैं, फिर हम डेटा कलेक्ट करना शुरू करते हैं ना, कंज्यूमर से रिव्यूज़ लेना शुरू करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स अप्लाई करते हैं उसके ऊपर, जो आपने अभी देखा था ना सैम्पल साइज, पॉपुलेशन साइज, वेरियंस, उसके बाद हमारा था स्टैंडर्ड डेविएशन या हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जो भी हम यूज़ करने वाले हैं वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यूज़ करते हैं। उसके बाद हम उस रिसर्च प्रॉब्लम के ऊपर एक एप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, उस मेथड को यूज़ करने के बाद हमें अपना जो रिजल्ट है वो मिल जाता है, उसकी रिपोर्ट तैयार हो जाती है, और एट द एंड हम अपना डिसीजन मेकिंग करते हैं उसकी हेल्प। तो ऐसे प्रोसीजर फॉलोअप किया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि स्टैटिस्टिकल टूल जो फूड सैम्पलिंग में यूज़ किए जाते हैं, तो मैंने आपको बताई दिया था सैम्पलिंग क्या है, फंडामेंटल प्रोसीजर है जिसमें कि हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं फूड या फूड प्रोडक्ट्स का, जिनको हम मतलब जो जस्टिफाई करने के लिए ज़रूरत होती है जिनको, ठीक है, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन किया जाता है। तो मैंने आपको ये बता भी दिया था कि जो टोटल क्वांटिटी है फूड मटेरियल की या फिर जो होल कंज्यूमर पॉपुलेशन है उस पर हम काम नहीं कर सकते, इसके लिए हम एक सैंपल लेते हैं, एक स्मॉल फ्रैक्शन लेते हैं उसमें से, और फिर उस सैंपल पर हम काम करते हैं और उससे जो फूड की जो भी नेसेसरी डिटेल्स होती है उनको एवेल्युएट करते हैं। सबसे पहला हमारा आता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव जो स्टैटिस्टिक्स है हमारा वो फूड टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि वो बेसिक जो फीचर्स होते हैं ना कि सैंपल पर प्रोवाइड करना, फिर एक समरी देना, एक प्रोफाइल जो तैयार करी जाती है किसी भी डेटा की, वो कौन तैयार करता है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स तैयार करता है। इसके अंदर हमारे जो एक तरह से जो भी हम चीज़ें पढ़ते हैं वो आती है हमारी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्पर्जन। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर देखो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आपने सुना होगा ना, जो आपने बेसिक स्टेट्स भी पढ़ा है, वो बेसिक मैथ्स भी पढ़ा है 10th 12th तक, तो उसमें भी हमें बताया गया था ना मीन, मॉड, मीडियन, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरियंस, तो यही है हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, वही है कि हम मतलब जो हम चीज़ें पढ़ते हैं ना, जैसे हम क्वार्टाइल्स पढ़ते हैं, हम परसेंटेज पढ़ते हैं, परसेंटाइल्स पढ़ते हैं, डेसाइल्स पढ़ते हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं मतलब जिसमें कि हम परसेंटेज को मेजर कर रहे हैं, हम क्वार्टाइल मतलब कि चार सेक्शंस में हम हमारे डेटा को वो कर रहे हैं, मीडियन जो होता है उसको 2 में हम डिवाइड कर रहे हैं अपने डेटा को, ठीक है, मोड क्या होता है जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है हमारी उसको मतलब कि उसको हम चूज़ कर रहे हैं कि मैक्सिमम टाइम्स कौन सी चीज़ हुई है, ठीक है, वो हमारा मोड होता है, मीन होता है कि हमारा टोटल जो भी है उसका हम पूरा एवरेज लेके, है ना, तो ये सारी चीज़ें हमारी किसके अंदर आती है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर आती है। उसके बाद जो जब ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज को हम जान लेते हैं, वेरियंस निकाल लेते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं, मीन निकाल लेते हैं, उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूशंस पे काम करते हैं, है ना, डिस्ट्रीब्यूशंस फॉलोअप किए जाते हैं, जैसे बहुत बड़ा डेटा आ जाता है तो उस पर हमारा जैसे डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो होता है, जैसे ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे हमारे अकॉर्डिंग टू डेटा, कि हमारा डेटा कैसा है, किस तरीके से उसका मतलब किस तरीके से वो फॉलोअप कर रहा है, कि कैसा वो नेचर फॉलो कर रहा है, कैसी उसकी सैम्पलिंग है, उसके हिसाब से हम क्या है डिस्ट्रीब्यूशन उस पर लगाते हैं, उसके हिसाब से हम मीन, मॉड, मीडियन, क्योंकि हर डिस्ट्रीब्यूशन का एक अपना मीन, अपना मॉड, अपना स्टैंडर्ड डेविएशन, अपना वेरियंस होता है, क्योंकि हर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक प्रॉपर एक
एक प्रोसेस को फॉलो करता है कि किस तरीके से डेटा जो है वो काम, मतलब किस तरीके का उसका नेचर है डेटा का, जिस तरीके का नेचर होता है डेटा का उस हिसाब से हमारे डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो उसके ऊपर इंप्लीमेंट किए जाते हैं। और हर डिस्ट्रीब्यूशन का अपना अपनी एक सेंट्रल टेंडेंसी होती है, जो सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने का अपना एक टूल होता है। जैसे कि मीन अगर निकाला है हमें किसी डिस्ट्रीब्यूशन का, मान लो आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब आपका डेटा जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो अप करता है, तो उसके लिए एक प्रॉपर सिनेरियो होता है कि ठीक है हमारा डेटा इस तरीके का, तो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इसके ऊपर लगेगा, ठीक है। तो जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक अपना मीन होगा, अपना मॉड होगा, अपना मीडियन होगा, तो ये अपने डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से इनके अपनी मेजर सेंट्रल टेंडेंसीज होती हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके बाद हमारा डिस्पर्जन आता है। डिस्पर्जन के अंदर हमारे जो जो हमारे जैसे मेजर ऑफ स्क्यूनेस, कॉर्टेसेस, हम ये देखते हैं कि हमारा जो डेटा है वो कितना सिग्निफिकेंट है ना, उस पर हम काम करने वाले तो किस तरीके का सिग्निफिकेंट है, तो उसके लिए हम स्टेटिस्टिकल एप्लीकेशन जो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने इन ब्रीफ आपको बता दी कि कैसे सेंट्रल टेंडेंसी में क्या क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होते हैं, डिस्पर्जन्स क्या होते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स जो है वो एक प्रोफाइल तैयार करता है। जैसे कि हमें किसी भी फूड की स्टडी करनी है, किसी भी कंज्यूमर डेटा की स्टडी करनी है, तो उसके लिए हमें उसका मीन, उसके स्टैंडर्ड डेविएशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, हमें ये जानने के लिए कि उसकी क्वालिटी, सेफ्टी, कलर कैसा है, ठीक है। तो उसके लिए हम रैंकिंग कर देते हैं और उसके हिसाब से हम क्या है उस पर हम उसका मीन निकालेंगे, उसका मॉड निकालेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे कि भाई सबसे ज़्यादा चीज़ क्या हो रही है, उसके हिसाब से हम फूड का जो कंटेमिनेशन है या फूड ठीक है या नहीं है वो उस चीज़ को हम यहाँ से जस्टिफाई कर लेते हैं। सेकेंड हमारा क्या आता है कि टेबुलर एंड ग्राफिकल डिस्प्ले। तो ग्राफिकल डिस्प्ले क्या है, एक बेसिक फॉर्म है जो कि हमें इंडिकेशन देती है कि हमारा जो सैंपल डेटा है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है और कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। और उसके लिए हम कैसे, मतलब उसके लिए हम फिर फ्रिक्वेंसी टेबल्स बनाते हैं, मतलब ग्राफ से हम ये जस्टिफाई कर पाते हैं। मतलब हम एक होता है कि हम बाय मैथमेटिकल चीज़ कर रहे हैं, सेगमेंटेशन से कर रहे हैं, और एक हम क्या है ग्राफ पे अपने डेटा को प्लॉट कर दें, उसके बाद उसके हिसाब से टेबल्स फॉर्म करें और उसके उसके भी हाथ में हम ये बताएं कि हमारा जो डेटा है वो किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, कैसा सैंपल का जो डेटा का जो सैंपल है वो कैसा है, कैसा नेचर है वो फॉलो अप कर रहा है। तो ये मतलब एक विजुअल वे हो जाता है, मतलब मैथमेटिकल वे ना होकर एक विजुअल वे हो जाता है कि हम ग्राफ डिजाइन करें, फिर उसके बाद उसके टेबल्स बनाएं, उसके बाद उसके ऊपर मैथमेटिकल इंप्लीमेंटेशन लगे, तो हमें एक विजुअल मिल जाता है, हमारे लिए वो ईजी हो जाता है। जस्ट मतलब देख के ही कई बार हम ये अंदाजा लगा लेते हैं कि अच्छा ठीक है ये ऐसा डेटा ऐसा ऐसा वो फॉलो कर रहा है, ये जो सैंपल है तो इसमें ये रिजल्ट आने वाला है, तो कहीं ना कहीं एक आइडिया भी लग जाता है। अब हमारा आता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द मीन। तो आप जब भी किसी डेटा पे काम करते हैं तो हम बिल्कुल 100% श्योर नहीं होते हैं ना, हमारे पास ऐसी श्योरिटी नहीं होती है कि हम 100% प्रेडिक्शन करते हैं कि एकदम ठीक है डेटा। तो हमें उस डेटा को चेक करने के लिए, उसके प्रेडिक्शंस को जानने के लिए हाइपोथेसिस जो टेस्टिंग है वो लगाई जाती है किसी भी डेटा के प्रेडिक्शन के लिए कि भाई ये डेटा किस तरीके से काम करेगा या किस तरीके की इंडिकेशन दे रहा है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ठीक है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है वो हमें एक मतलब जो पॉपुलेशन का करेक्टरिस्टिक्स है उससे रिलेट कराती है, ये बताती है कि हमें कि ये जो पॉपुलेशन है वो किस तरीके के करेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करेगी और ये जो सैंपल डेटा है उसके अंदर हम किस तरीके के स्टेटिस्टिकल मेथड्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। तो जब एक दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप चेक करना होता है तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, जो वो रिलेशनशिप होती है ना जो हमारी, उस रिलेशनशिप को हम जो मतलब हमें ये जानना है कि किस तरीके का रिलेशनशिप है, कि बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है या कैसा है, तो उस डिग्री को चेक करने के लिए हम जो भी फॉर्म यूज़ करते हैं वो हमारा क्या आता है, उसको हम कहते हैं कोरिलेशन। क्योंकि कोरिलेशन जो है वो डिग्री ऑफ रिलेशनशिप को चेक करता है कि जैसे आप मान लीजिए दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, ठीक है, मतलब एक्स और वाई कह दूं मैं, या फिर आप ये लगा लीजिए कि दो हमारे पास एक जनरल जैसे कलर है या टेक्सचर है, दो हैं, ठीक है। अब मुझे इनके बीच में रिलेशनशिप बताना है कि अगर मेरा कलर जो है वो वैरी कर रहा है, ठीक है, और मेरा टेक्सचर वैरी कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है कि अगर मेरा कलर वैरी करता है तो मेरा टेक्सचर कैसा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मेरे को इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप निकालना है तो उसकी जो डिग्री जो चेक की जाती है वो चेक की जाती है विद द हेल्प ऑफ द कोरिलेशन। कोरिलेशन को ही हम ये कहते हैं कि डिग्री चेक कर रहे हैं हम कि कैसा रिलेशनशिप फॉलो कर रहे हैं, कि एक्स और वाई कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी चेक करना हमारा क्या कहलाता है, कोरिलेशन कहलाता है, कि एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंड है, ठीक है। अब हमारे ना मतलब आप एक ग्राफ दिखाते हैं मैं आपको, ठीक है, ये हमारे ग्राफ दिए गए हैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड, मतलब मैं इनको अभी आपको जो स्टेटमेंट दी गई है उनके हेल्प से इसको समझाऊंगी, ठीक है।
तो देखिए, तो हमारा जो कोरिलेशन है पॉपुलेशन का या सैंपल का, वो हम किस तरीके से करते हैं। जैसे फर्स्ट एंड सेकंड कोरिलेशन इज स्ट्रॉन्ग, वाइल इन द लास्ट इट इज वेरी वीक। इन द फर्स्ट फिगर द रिलेशन इज पॉजिटिव एंड रिजल्ट इन अ पॉजिटिव कोरिलेशन कॉफिशेंट। तो फर्स्ट और सेकंड में हमारा जो कोरिलेशन है वो स्ट्रॉन्ग बताया गया और लास्ट वाले में हमारा वीक बताया गया। तो देखिए, फर्स्ट और सेकंड में हमारा जो मतलब कोरिलेशन है वो स्ट्रॉन्ग बताया गया, तो आर क्या है, क्लोजेस्ट टू वन, मतलब आर जो है वो एक जो कोरिलेशन है उसको मेजर करने का, मतलब एक उसका मतलब कोरिलेशन का एक आप ये लगा लीजिए एक सिंबल है कोरिलेशन को चेक करने का, आर। ठीक है, तो आर जब क्लोजेस्ट टू वन है तब भी हमारा स्ट्रॉन्ग है, सेकंड आर जब क्लोजेस्ट टू माइनस वन है तब भी हमारा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, वो पॉजिटिवली स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, फर्स्ट वाले में, सेकेंड में रिलेशन जो है वो नेगेटिव है जिसमें कि माइनस वन दे रहा है, और हमारा जो कोरिलेशन की जो मतलब रिलेशनशिप जो चेक करने की जो डिग्री है, जो कोरिलेशन है, वो हमेशा माइनस वन टू वन ही वेरी करता है। और जब ये क्लोज टू जीरो होगा, जब ये ऐसे स्ट्रक्चर फॉलो करेगा, तो हमारा क्या होगा, हमारा कोरिलेशन जो होगा वीक होगा, हमारा जो दो वेरिएबल है उनके बीच में जो एक तरह से रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, वो वीक होगा। ठीक है, तो जब कोई पैटर्न फॉलो करे हमारा ग्राफ, जैसे इसमें पैटर्न फॉलो रखा है, एक में पॉजिटिवली इंक्रीज करा है, एक में नेगेटिवली, मतलब एक नेगेटिवली दिखा रहा है, तो डाउन जिसमें डाउनवर्ड जा रहा है, एक में अपवर्ड जा रहा है, तो उसमें हमारा क्या है, कहीं ना कहीं वो हमें ये शो कर रहा है कि एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, एक रिलेशनशिप फॉलो हो रहा है। ठीक है, और इसको ही हम क्या कहते हैं, हमारा कोरिलेशन एक तरह से आर जो होता है हमारा कोरिलेशन कॉफिशियंट होता है, और यही हमें बताता है कि हमारी जो डिग्री है रिलेशनशिप की वो किस तरीके से स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो कभी भी हमें कोई भी इंप्लीमेंटेशन करनी होगी फिर किसी भी फूड के वेरिएबल्स को लेकर, जैसे कलर है, टेक्सचर है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, और भी कोई मतलब आप कोई भी एक वेरिएबल लेंगे कि अपने फूड में से, कि भाई हमें इस तरीके से चेक करना है कि हमारा फूड कंटेमिनेटेड है या नहीं है, तो उसके लिए हम अलग अलग वेरिएंस को वेरिएबल्स को देख के कि अच्छा हमारा कलर चेंज हो रहा है, अच्छा हमारा इसका टेक्सचर चेंज हो रहा है, ठीक है, और हमें इसमें किस तरीके से वो चेंजेस लाए गए, हमारा नेचुरल जो रॉ फूड था वो कैसा था, हमारा जो फिनिश फूड है वो कैसा है, तो दोनों के बीच में आपको अगर रिलेशनशिप दिखाना है कि अच्छा इसका कलर ऐसा था, इसका कलर ऐसा, तो उसके लिए भी हमारा जो रिलेशनशिप है उससे हम ये बता सकते हैं कि हमारा फूड कैसा है। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो कोरिलेशन है वो यूज किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा सिंपल लीनियर रिग्रेशन। तो हमारा लीनियर रिग्रेशन जो है वो ये बताता है कि जो हम जैसे रिलेशनशिप का जो डिग्री है वो तो हमें कोरिलेशन ने बता दिया। ठीक है, उसके बाद जो दो वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप था, जो जैसे कि आप मतलब आपने ये तो देख लिया कि अच्छा ये इस तरीके का पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो उसका जो प्रेडिक्शन देगा वो कौन देगा, रिग्रेशन देगा। कोरिलेशन ने तो ये बता दिया कि कैसी डिग्री है रिलेशनशिप्स के बीच में, किस तरीके का रिलेशन है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है, लेकिन उसका जो प्रिडिक्शन करेगा वो कौन करेगा, हमारा वो करेगा रिग्रेशन। ठीक है, कि अगर हम जो भी हमारा एक वेरिएबल है, मान लीजिए मैंने आपको बताया था जैसे कलर है, मैंने आपको बोला कि कलर किस तरीके से वेरी कर रहा है, इस चीज़ से ये चीज़ हमारे जो दूसरी चीज़ है उसको इंडिकेट कर पाए, उसको प्रेडिक्ट कर पाए, तो उसको हम कहते हैं रिग्रेशन। मतलब एक वेरिएबल का मेजरमेंट हम दूसरे वेरिएबल को क्या कर रहे हैं, मेजर कर पा रहे हैं, उसकी उसका जो रिलेशन है उसके साथ वो प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिग्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो मतलब कोरिलेशन तो बस एक डिग्री बता रहा है, एक ये बता रहा है कि रिलेशनशिप कैसा है, लेकिन उस रिलेशनशिप को किस तरीके से मेजर किया जाएगा, कि भाई ठीक है इस तरीके से हमारा ये वाला वेरिएबल जो है वो वेरी कर रहा है, तो हमारा दूसरे वेरिएबल पे इसका क्या इंपैक्ट होगा, तो उस चीज को प्रेडिक्ट करने के लिए हम रिग्रेशन को यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ग्राफ में आपको एक मतलब एक लीनियर ग्राफ दे रखा है, आपने देखा है ना, तो यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखी है वाई इक्वल टू समथिंग समथिंग बीटा नॉट बीटा एक वन एक्स प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये हमारा एक ग्राफ दे रखा है, और ये इसमें क्या हुआ, जो पॉइंट्स है हमारे वो स्कैटर होंगे, ठीक है, अलग 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 ऐसे बिखरे होंगे, जैसे ये डॉट्स लगा रखी है, तो ऐसे आप बहुत सारे डॉट्स ऐसे लगा के और उसमें से एक लीनियर लाइन को मतलब ड्रॉ कर देना, वो जो लीनियर लाइन है वो एक प्रिडिक्शन दे रही है दोनों जो वेरिएबल हैं हमारे एक्स और वाई, जिसमें कि हमने कलर और टेक्स्चर को लिया था, तो वो एक प्रेडिक्शन दे रही है कि हमारा जो ग्राफ है वो इस तरीके से जा रहा है, तो इनका जो आपस में जो एक मेजरमेंट है, आपस में जो रिलेशन है, उसको मेजरमेंट जो दे रहा है वो कौन दे रहा है, हमारा रिग्रेशन दे रहा है। तो ये ग्राफ यही इंडिकेट कर रहा है कि कितने ही स्केट हम डेटा के बहुत सारे मतलब वैल्यूज जो है, जैसे भी हमने जो आप ये लगा लीजिए जो फूड से हमने जो नोटिस किया था वो सारे हमने डेटा को बाय पॉइंट 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 करके इस पर हमने डाल दिया। ठीक है, हमने मेजरमेंट कर दी, उसके बाद एक लाइन ड्रॉ करके हमने ये बताया कि वो कैसे प्रेडिक्ट कर रहा है, कि एक लीनियर रिलेशन कैसे बन रहा है। तो रिग्रेशन हमारा प्रेडिक्शन देता है दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप आने वाला है, और जो रिलेशनशिप बताता है वो कौन होता है, कोरिलेशन।